हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज इस सेशन में हम लोग एक नया मेजर करने वाले हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, मतलब स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, मीन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और इस क्लास में हम लोग आज मीडियन करेंगे, मीडियन और मोड दोनों करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मीन तो हम लोग का हो चुका है। ठीक है, मीन हम लोग का हो चुका है। मीन को तीन तरीका से करना, हम लोग निकालना सीखे थे एग्जैक्टली, जो हम लोग के सिलेबस में है। ठीक है, पहला कौन सा था? डायरेक्ट मेथड था। ठीक है, दूसरा था एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा था स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन, ठीक है। तो ये पहला मेजर था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीन। ठीक है, दूसरा है मीडियन। ठीक है, और तीसरा है हम लोगों का मोड। ठीक है, तो मीन हम लोग ऑलरेडी हो चुका है, तीनों तरीका डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, उसके लिए डेडिकेटेड लेक्चर है, आप लोग जाके देख सकते हैं उसको। मीडियन जो है हम लोगों का एग्जैक्टली क्या होता है? मिड वैल्यू। ये क्या है? मिड वैल्यू। ठीक है, डाटा का मिड वैल्यू। डाटा को पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है? इसमें दो स्टेप करने का। स्टेप वन क्या है? स्टेप वन हम लोगों का है अरेंज द डाटा। इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है? डाटा को अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम लोग का स्टेप टू क्या है? टू फाइंड एन। ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ, एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और वेरिएट्स भी बोलते हैं कभी कभी इसको। ठीक है, कभी इसको हम लोग वेरिएट्स भी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और वेरिएट वो निकालने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि नंबर कितना आया, नंबर क्या आया एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप थ्री क्या है हम लोगों का? स्टेप थ्री है यहाँ पे एन का वैल्यू निकालना है। अगर एन इवन आएगा तो फार्मूला अप्लाई करना है, एन ऑड आएगा तब भी फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, आफ्टर फाइंडिंग एन, ठीक है, इवन या ऑड है, हम लोग क्या करना है? अप्लाई फार्मूला। अप्लाई फार्मूला, तो ये तीन स्टेप जो भी यहाँ पे, ठीक है, मीडियन निकालने का अपने पास में है, फार्मूला डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, एन इवन होगा तो क्या होगा, एन ऑड होगा तो क्या होगा। ठीक है, सो स्टेप फोर में है क्या? अप्लाई फार्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? इफ, यहाँ पे केस वन ले लेते हैं। केस वन, इफ एन इज इक्वल टू ऑड तो क्या होगा? हम लोगों को क्या ऑब्जर्व करना है डाटा में? यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई ट्रूथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, डाटा में हम लोग को फाइंड करना है कि n प्लस वन बाई टू ऑब्जर्वेशन कौन सा है, वही हम लोग का मीडियन होगा। एंड इफ n इज इक्वल टू इवन, अगर n का वैल्यू इवन आता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग का इवन है, दो चार छः आठ ऐसा है कुछ, तो क्या हो जाएगा? मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू n बाई टू प्लस n बाई टू प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, एन बाई टू निकालेंगे, फिर एन बाई टू में प्लस वन कर देंगे, दोनों को ऐड करके टू से डिवाइड कर देंगे, जो ऑब्जर्वेशन आएगा वही हम लोगों का मीडियन होगा। ठीक है, तो ऑड होगा तो ये होगा, इवन होगा तो ये होगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हम लोग एक पहले। ठीक है, जैसे कि अपने पास देखो बच्चे, एग्जाम्पल एक लिए हैं हम लोग यहाँ पे, एक एग्जाम्पल ऑड नंबर का, एक इवन नंबर का। ठीक है, यहाँ मीडियन निकालना है, तो फॉर्मूला अभी हम लोग डिस्कस किए एग्जैक्टली कि अगर हम लोग का वैल्यू एन का क्या होगा? इवन होगा, तो मीडियन क्या हो जाएगा हम लोग का? मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस वन बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर एन का वैल्यू क्या होगा? ऑड होगा, सॉरी ऑड होगा तो ये वाला होगा, और इवन हुआ तो क्या होगा?
इवन होते मीडियन हम लोग का क्या होगा, इक्वल टू एन बाई टूथ प्लस एन बाई टूथ प्लस वन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन ओके। तो ये हम लोगों का क्या है, इवन और ऑड का टर्म्स में हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करके निकालना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एग्जांपल है, यहाँ पे क्या है, इफ मतलब यहाँ पे क्या है, पहला स्टेप क्या था हम लोगों का, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं इसको। पहले क्या है, स्टेप वन, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके। क्या हो जाएगा, पहले सेवन है, फिर एट, फिर यहाँ पे दोबारा एट एक और, फिर यहाँ नाइन है, फिर टेन है, फिर ट्वेल्व है, फिर फिफ्टीन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, अरेंज कर लिया। हियर हेयर एन इज इक्वल टू सेवन, सात है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन प्लस वन बाय टूथ टर्म, मतलब क्या हो जाएगा, सेवन प्लस वन बाय टू टर्म इज इक्वल टू एट बाय टू इज इक्वल टू फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, वन टू थ्री फोर, फोर्थ टर्म इज नाइन, सो आंसर इज नाइन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, हम लोग फॉर्मूला लगा ये वाला, और था तो इवन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डाटा को अरेंज करेंगे, अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, वी गेट क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे पहला सबसे छोटा कौन सा है, टेन है, फिर टेन है, फिर ट्वेल्व है, फिर थर्टीन है, फिर सिक्सटीन है, फिर सेवनटीन है, फिर एटीन है, और फिर ट्वेंटी वन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। हियर एन इज इक्वल टू एट, सो मीडियन क्या हो जाएगा, सो मीडियन इज इक्वल टू एन बाई टू टर्म प्लस एन बाई टू प्लस वन टर्म अपॉन टू, ठीक है। तो यहाँ पे एट है ना, एन का वैल्यू एट बाई टू हो जाएगा, प्लस एट बाई टू प्लस वन टर्म अपॉन टू, दिस इज फोर्थ प्लस फिफ्थ टर्म अपॉन टू, ठीक है। तो फोर्थ टर्म कितना काउंट करो, वन टू थ्री फोर, थर्टीन है, और फिफ्थ टर्म कितना है, सिक्सटीन है, सो दिस इज थर्टीन प्लस सिक्सटीन अपॉन टू, दिस इज 29 अपॉन टू इज इक्वल टू 14.5 इज द मीडियन, ठीक है। तो इवन रहेगा तो ये फॉर्मूला लगा के लोग निकाल लिए, ऑड रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाए, ठीक है। तो बहुत आसान है निकालना है इसको। अब थोड़ा देखते हैं हम लोग टेबुलर फॉर्म में कैसे इसको निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो बच्चों, तो ग्रुप डाटा के लिए क्या करेंगे हम लोग, ग्रुप डाटा के लिए हम लोग के पास में एक दूसरा तरीका होता है निकालने का, ये ग्रुप डाटा कहलाता है। ग्रुप डाटा को ग्रुप किया हुआ है यहाँ पे, जो लास्ट क्वेश्चन किए थे हम लोग वो क्या था, अनग्रुप डाटा का था, ठीक है। तो ग्रुप डाटा में बेसिकली हम लोग को सीएफ निकालना होता है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, और उसमें से फ्रीक्वेंसी का एन बाई टू फ्रीक्वेंसी को सम करना होता है, वहाँ से फिर जो भी वैल्यू आता है वो एन कहलाता है, सम करने के बाद में उसको टू से डिवाइड करके देखना पड़ता है कि ऑब्जर्वेशन कौन सा है, वहाँ से मीडियन निकलता है। हम लोग सीखेंगे इस एग्जाम्पल से, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो क्या करना है, डाटा को अरेंज करना रहता है, ऑलरेडी डाटा अरेंज है यहाँ पे, तो वहाँ लिख लो पहले ऑब्जर्वेशंस पे क्या है, टू है, फाइव है, सिक्स है,
एट है और टेन है, ओके। फ्रीक्वेंसी कितना है, थ्री है, टू है, फाइव है, फोर है और टू है, ओके। अब सी एफ कैसे हम निकालेंगे, हम लोग सी एफ कैसे बनाते हैं, हम लोग यहाँ जो रहेगा नंबर, पहले सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी में नंबर रहेगा वो एज इट इज यहाँ पे लिखना है थ्री, फाइन। जो नीचे जो नंबर लिखा है ना उसको थ्री में ऐड करना है, मतलब इसको इससे ऐड कर देना है और नीचे लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो तीन हो तो कितना होता है, पाँच, पाँच यहाँ लिख दो, ठीक है। अब जो नीचे नंबर फिर से जो तीसरा नंबर आया फ्रीक्वेंसी में उसको सी एफ के दूसरे नंबर से ऐड कर दो, इससे ऐड कर दो इसको, ठीक है। तो थ्री फाइव प्लस फाइव कितना हो जाएगा, टेन हो जाएगा। फिर जो नीचे नंबर आया उसको इससे ऐड करो, ठीक है। फोर प्लस टेन कितना हो जाएगा, फोर्टीन हो जाएगा। और फिर टू प्लस फोर्टीन सिक्सटीन हो जाएगा। यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, इसको ऐड करेंगे अगर समेशन एफ निकालेंगे तो कितना आएगा, सिक्सटीन ही आएगा। तो यहाँ जो वैल्यू आएगा वो सी एफ के लास्ट में आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये पहला नंबर एडिटिज वहाँ जाएगा, फिर नीचे वाला जो नंबर रहेगा वो उससे ऐड होकर नीचे आएगा, फिर उसके नीचे वाला नंबर इससे सेकेंड वाला नंबर से ऐड होकर यहाँ नीचे आएगा। इस तरह से हम लोग कॉलम रेडी कर लेते हैं सी एफ का, ठीक है। अब ये जो है ये हम लोग का क्या है, एन है। तो ये एन इज इक्वल टू कितना, 16 है। सो एन बाई टू कितना आ जाएगा हम लोगों का, 8 आ जाएगा। अब 8 क्या है, ठीक है। जो 8 आया एन का वैल्यू, मतलब एन बाई टू का वैल्यू कितना है, 8 आया। तो जो वैल्यू है ये जस्ट ग्रेटर है किससे, जो हम लोग का कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में जो आएगा वैल्यू, वहाँ पे कोई 8 वैल्यू हम लोग को दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इससे जस्ट वैल्यू ग्रेटर क्या होगा, वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन 8 इन सी एफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, इज 10, ठीक है, 10 है। सो मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, जस्ट जो इसके सामने आ रहा है हम लोग का x का वैल्यू वो क्या है, 6 है। सो द आंसर इज 6, ठीक है। वैल्यू किस में से लेना है, x से लेना है। n जो फ्रीक्वेंसी है हम लोगों का उसे लेते हैं, n n बाई टू उसे लेते हैं, और जो भी वैल्यू आएगा उसके जस्ट बड़ा वाला नंबर जो होगा, जैसे 8 आया तो 8 से जस्ट बड़ा वाला क्या है, 10 है। तो 10 के सामने जो भी है नंबर वो हम लोग का क्या हो जाएगा, वो हम लोग का मीडियन हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसको समझना, सी एफ निकालना भी बहुत सिंपल है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग लिए हैं यहाँ पे, जो कि थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, जिसमें हम लोग को मीडियन निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ सर्टेन क्लास इन अ सर्टेन सिटी। हाइट दिया हुआ है, इंटरवल देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो भी इंटरवल है उसको ध्यान से देखो, यहाँ पे 160 162 है, 162 फिर 163 है, ठीक है। तो डाटा क्या है, इंक्लूसिव टाइप का है। डाटा कैसा आ गया, इंक्लूसिव है। क्लास इंटरवल क्या दिया हम लोग का, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव। तो इंक्लूसिव में तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग डाटा क्या चाहिए, एक्सक्लूसिव चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल हम लोग को बनाना पड़ेगा यहाँ पे, एक्सक्लूसिव, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लिखना है, फिर हम लोगों को यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है, राइट। तो इसमें हम लोग मीडियम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे बेसिकली, बट सबसे पहले टेबल बनाना सीखते हैं, टेबल कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेंगे, इंक्लूसिव डाटा जो दिया हुआ है 160 से लेकर 162, 163 to 174, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब इसको एक्सक्लूसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को फैक्टर निकालना पड़ेगा, एडजस्टमेंट फैक्टर, जिससे हम लोग माइनस प्लस करेंगे इसमें बनाने के लिए। तो वो क्या होता है, वो लोअर लिमिट होता है सेकेंड क्लास इंटरवल का, और अपर लिमिट होता है फर्स्ट क्लास इंटरवल का, ठीक है। तो एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे 163 माइनस 162 बाई 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो 0.5 से हम लोग को यहाँ प्लस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 159.5 से लेके 162.5 तक, ठीक है। इससे इसको माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है। अब उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग को उतना माइनस करना पड़ेगा लोअर लिमिट से, उतना प्लस करना पड़ेगा अपर लिमिट में। तो यहाँ पे किया हम लोग, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 162.5, 174.5, ठीक है। ये हम लोग का बन गया डाटा एक्सक्लूसिव। अब देखो जैसे हम लोग का रेगुलर होता है वैसा हो गया, जो यहाँ होता है वही यहाँ होता है, जो यहाँ होता है
जो यहाँ होता है वही यहाँ होता है, जो यहाँ होता है वही यहाँ होता है, ठीक है। तो सेम है फ्रीक्वेंसी क्या लिख लो यहाँ पे 15, 118, 142, 127 एंड 118, ठीक है। अब हम लोगों को रेडी करना है सीएफ अपना, तो यहाँ 15 दिया है तो 15 लिख लेंगे सबसे पहले। 15 में 118 प्लस 118 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 133, या लिख लो 133, इसको इससे ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर लिखना है राइट अगेन। अब इन दोनों को फिर ऐड करेंगे हम लोग, इन दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कितना आएगा, यहाँ पे ऐड करो और यहाँ पे लिखो तो क्या हो जाएगा 420। तो यहाँ पे जो आएगा वैल्यू लास्ट में वही यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में आएगा, समेशन एफ आई इज इक्वल टू 420, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये हम लोग का वैल्यू आ गया, तो हम लोग को लिखना है यहाँ पे हियर एन इज इक्वल टू 420, सो एन बाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 420/2 इज इक्वल टू 210। तो 210 हम लोग को मिला एन बाई टू का वैल्यू, तो वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन 210 कौन सा है यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन 210 इज द मीडियन क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे 210 से तुम्हारा जो वैल्यू ज़्यादा आएगा, वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन 210 इज 275, ये वाला वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग का आया, यानी ये क्या है हम लोग का मीडियम क्लास है। सो 165.5 to 168.5 इज द मीडियम क्लास, मीडियम क्लास, ठीक है। हम लोग का मीडियम क्लास आ गया, तो हम लोग अपना मीडियम क्लास हम लोग को मिल गया। अब इसमें हम लोग को निकालना है मीडियम, तो मीडियम का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ मीडियम का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियम इज इक्वल टू यहाँ पे करना है L, मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास, प्लस L प्लस N बाई टू माइनस सी एफ अपॉन F इन टू एच। ये फॉर्मूला होता है मीडियम निकालने का, जहाँ पे L क्या है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास, ठीक है। एन बाई टू तो पता ही हम लोगों को, एन क्या है हम लोग का जो फ्रीक्वेंसी आया सम ऑफ फ्रीक्वेंसी वो एन है, मतलब जो ऑब्जर्वेशन का सम है वो हम लोग का क्या है, एन है। सी एफ किसका लेंगे हम लोग, सी एफ ये तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग मीडियम, मीडियम क्लास, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग मीडियम क्लास। तो यहाँ पे ये जो हम लोग का है ना फैक्टर, ये हम लोग का हो जाएगा सी एफ, हम लोग को ये लेना है, ठीक है। एक पहले वाला प्रिसीडिंग, मतलब जो भी इसके पहले वाले क्लास का जो सी एफ है हम लोग को वो लेना रहता है, ठीक है। सी एफ की जगह पे एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास, ठीक है, ये ले लेंगे 142। एफ के हम लोग का फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास, तो ये मीडियम क्लास का हम लोग फ्रीक्वेंसी लेंगे। और फाइनली एच, तो एच क्या हो जाएगा हम लोग का, एच इज द क्लास साइज, क्लास साइज, ठीक है। तो ये फार्मूला है, फार्मूला का सारा डिस्क्रिप्शन हम लोग लिख लिए हैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या है। तो एल लोअर लिमिट मतलब ये वाला लेंगे, तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले, तो फिर मीडियम इज इक्वल टू एल, एल कितना है 165.5, प्लस एन बाई टू कितना है आया हम लोग का 210, बैठे 210 अगेन माइनस 133 अपॉन हो जाएगा हम लोग का फ्रीक्वेंसी कितना है 142 इंटू क्लास हाइट कितना है, क्लास साइज कितना है यहाँ पे 3 का है, तो 3 लिख लो यहाँ पे, ओके। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग का मीडियम हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, अब कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं,
ठीक है, तो 165.5 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 210 133, तो 210 133, 10 से 3 जाएगा 7, 10 से 3 जाएगा 7 77, राइट, 77 अपॉन 142 into 3, ठीक है, तो 77 into 3 कितना होता है 231, तो जस्ट राइट हियर 231, 165.5 प्लस 231 अपॉन 142, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो कितना आएगा, अब यहाँ पे 142 से हम लोग डिवाइड करेंगे 231 को, तो कितना आएगा 231 डिवाइड बाय 142, तो 142 वन जो 142 दिस इज 9 8 89 हुआ यहाँ पे डेसिमल 890, तो तकरीबन होगा ये 5 जा देख लेते हैं 142 5 जा 5 6 6 जाएगा 6 7 12 8 5 2, ओके 6 8 5 2 आएगा, तो तकरीबन 1.6 मान लेते हैं यहाँ पर, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा बढ़िया से, तो यहाँ पे 165.5 प्लस 1.6 समथिंग आएगा, 6.5 ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ देख लो 165.5 1.65 5 167.35, this is अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन नहीं किए हैं, वो आप लोग कर लीजिएगा यहाँ पे, लेकिन वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा मीडियम का। कैसे निकालना है समझ में आ गया, फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कैसे कैसे लेना है हम लोग को, जो भी हम लोग का मीडियम क्लास आएगा, एक वैल्यू एन बाई टू से बड़ा वाला वैल्यू कौन सा वो लेना है, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा उसका वो उसका मीडियम क्लास कहलाएगा, दिस इज़ द मीडियम क्लास, उसका यहाँ पर लेना है क्या हम लोग को लोअर लिमिट, और उसके बाद फिर एन बाई टू माइनस सी एफ ऊपर वाला, जस्ट के ऊपर वाला सी एफ और इसका वाला फ्रिक्वेंसी नीचे रखना है, और क्लास साइज से इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे हम लोग का मीडियम निकलता है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बनाए हैं, उसको हम लोग एक्सक्लूसिव डाटा किए हैं, इंक्लूसिव फॉर्म में दिया हुआ था, एक्सक्लूसिव में बनाना पड़ता है इसको, और बनाने के लिए ये क्या होता है हम लोग का एडजस्टमेंट फैक्टर होता है, जिससे इसको माइनस करते हैं तो उसे डिवाइड करते हैं, तो ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, तो कैलकुलेशन देख लेना आप लोग, ठीक है, इस तरह से सारा ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए मतलब सॉल्व करके इसको, ठीक है, कहीं कुछ चाहे यहाँ पर वन होगा, ठीक है, तो बेसिकली चेंज कर देना वैल्यू में, वैसे भी अप्रॉक्स वैल्यू निकाला है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू निकाला है यहाँ पे क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये, ठीक है, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना अच्छे से, लगभग आंसर इतना ही आएगा, बट तरीका सीखना इंपॉर्टेंट था, तो तरीका हम लोग सीखे, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो बच्चों यहाँ पे एक मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन लिए हैं हम लोग, मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं एक तो अच्छा रहेगा, ठीक है, इसका भी आप लोग को आइडिया हो जाएगा, यहाँ कुछ टर्म मिसिंग है उसको फाइंड आउट करना है विद हेल्प ऑफ मीडियन, ठीक है, मीडियन वैल्यू मीडियन फार्मूला यूज करके मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हम लोग को निकालना है, दो फ्रीक्वेंसी यहाँ मिसिंग है उसको हमें मान लिया एक्स और वाई, ठीक है, तो सेम प्रोसेस करना है हम लोग को यहाँ पे, यहाँ भी हम लोग को जस्ट पहले क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को सी एफ निकालना है, सी एफ के लिए सबसे पहले यहाँ 12 लिखेंगे, ठीक है, फिर यहाँ से ऐड करेंगे तो कितना आएगा 42, मतलब ये यहाँ पे लिख दिया हम लोग, फिर इसको इससे ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे तो 42 आएगा, फिर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 42 प्लस एक्स, ठीक है, फिर यहाँ पे इसको इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखे हैं, अब इन दोनों को ऐड करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आएगा 65 प्लस 42 कितना होगा 527 एंड 6 and 4 10 107 प्लस एक्स, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखो 107 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे 132 प्लस एक्स प्लस वाई, और फिर यहाँ पे आएगा 18 मतलब 150 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो हम लोग ऐड करके अपना क्या किया सी एफ रेडी कर लिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है गिवन मीडियन वैल्यू इज 46, तो मीडियन वैल्यू दिया हुआ है गिवन मीडियन वैल्यू इज 46, तो 46 में 46 कहाँ पे कौन कहाँ पे फॉल करेगा एग्जैक्टली,
तो यहाँ पे देखो बेसिकली जो 46 है वो 65 से छोटा है, ठीक है। तो मोरल लेस इसका वैल्यू मॉडल क्लास हम लोग का क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए, मिडिल क्लास हम लोग का, सॉरी मिडिल क्लास हम लोग का आना चाहिए। सो हियर मीडियन क्लास इज 40 से लेके 50 तक, ठीक है, ये हम लोग का मीडियन क्लास आ गया, ठीक है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है मीडियन निकालने का, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी हम लोग का ही है इसको यूज़ करेंगे हम लोग, फिर हम लोग यहाँ पे इसको भी यूज़ करेंगे, ठीक है। जस्ट कौन सा है ये जो हम लोग का होता है कम्यूटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रिसीडिंग मीडियन क्लास, इसका जो मीडियन फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग यूज़ करेंगे 42 प्लस एक्स को। तो फॉर्मूला क्या है मीडियन का, यह है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। तो मीडियन दिया हुआ अपना 46 इज इक्वल टू एल कितना हो जाएगा यहाँ पे, एल 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 प्लस एन बाई टू, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ 230 दिया हुआ है यहाँ पे 230, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ 230, तो यहाँ पे ले लो 230 बाई टू माइनस सी एफ, सी एफ कितना हो जाएगा पहले वाले प्रिसीडिंग वाले का लेना है 42 प्लस एक्स, ठीक है, बाय यहाँ पर हो जाएगा एफ फ्रीक्वेंसी कितना 65 मिडिल क्लास का, यस 65 यहाँ लेंगे हम लोग 65 इंटू 10 इज द क्लास साइज, ओके। अब सॉल्व करेंगे इसको, 46 इज इक्वल टू 40 प्लस 115 माइनस 42 माइनस एक्स अपॉन 65 10। सो यहाँ पे कर लो 65 4 कितना होता है 520 260 यहाँ हो जाएगा 2600 प्लस 115 माइनस 42 माइनस एक्स इंटू 10 अपॉन 65 इज इक्वल, यहाँ पे कर लो फिर 46 इंटू 65 इज इक्वल टू 2600 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 523 माइनस एक्स 10, ये हो गया। यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई करो 46 से 25 को 30 23 2 1 9, 46 इंटू 65 सॉरी 46 इंटू 65 करना है आपने को 46 इंटू 65 30 0 3 23 हो जाएगा 36 का 3 24 3 27 दिस इज 0992 दिस इज 2990 माइनस 2600 इज इक्वल टू 730 माइनस 10x, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कर लो 2600 दिस इज 390 दिस इज 390 माइनस 730 इज इक्वल टू माइनस 10x, तो 390 यहाँ से माइनस करके देखो 730 एंड 290 जीरो 300 हो गया 4 440 10x 6 से 2 गया 4 ना 390 है सॉरी 390 तो ये हो जाएगा 340 ओके नाउ जस्ट डू इट हियर दिस इज 340 इज इक्वल टू 10x सो x इज इक्वल टू 34 इज द आंसर, x का वैल्यू आ गया 34। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग नेक्स्ट y, ठीक है, x हम लोग आगे आ गया 34, x चाहिए हम लोग तो हम लोग का यहाँ पर 34 आ जाएगा, ये y का वैल्यू कैलकुलेट करो तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ ना यहाँ पे, तो 12 प्लस 30 प्लस x का वैल्यू 34 प्लस 65 प्लस 25 प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू इज गिवन 230, ठीक है। ऐड करो 42 एंड 34 6 7
ये हो गया 65, 141, 25, 661, 18, 184, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 184, तो 184 प्लस वाई इज इक्वल टू 230, सो वाई इज इक्वल टू 230 माइनस 184, 10 माइनस 4, 6, 12, 8, 4, इज 46, राइट, तो वैल्यू ऑफ वाई इज 46, सो राइट हियर 46, ठीक है, तो दोनों वैल्यू हम लोग को मिल गया 46 एंड 34, फिर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मीन ऑफ द कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन, तो मीन कैसे निकालेंगे, तो मीन के लिए हम लोग को तो ये दिया ही हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे क्लास इंटरवल निकालेंगे, मतलब कैसे क्लास मार्क कैसे निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स आई, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ एफ आई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड करो इसको, 30 होगा तो यहाँ 15 हो जाएगा, फिर यहाँ 50 तो 25, फिर यहाँ 35, यहाँ 45, 55, 65 एंड 75, ठीक है, ये आ गया, फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, तो इन दोनों को मिला के हम लोग क्या करेंगे, फिर वहाँ पे हम लोग एक्स आई एफ आई निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे, और फिर हमने फॉर्मूला लगाया है कौन सा, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के हम लोग अपना मीन निकाल सकते हैं कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, ये निकालना था मीन के लिए, दिस इज़ फॉर मीन, ठीक है, फॉर मीन, तो मीन के लिए एक्स आई एफ आई निकालना है, इसको ऐड करना है, मतलब इसको ऐड नहीं करना है, एक्स आई निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स आई एफ आई निकालना है, और फिर इसका एडिशन तो दिया ही हुआ, 230 दिया ही हुआ है, इससे उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है, तो मीन निकालना बहुत आसान है, इसको आप लोग निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको इन्फॉर्म कर देना, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, बाद बस इतना आज के सेशन में हो गया बच्चों, ठीक है, मतलब मीडियन तो इतना हम लोग का, मतलब एक आइडिया हम लोग को मिल गया मीडियन का, ठीक है, अब हम लोग जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं मोड, ठीक है, तो कुछ एक फॉर्मूला है मोड का, वो पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन मोड पे बनाएंगे, तो चलो पहले हम लोग देखते हैं मोड के बारे में, ठीक है बच्चों, चलो तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का, जो नेक्स्ट मेजर है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, वो है मोड, ठीक है, हम लोग मोड का स्टडी करने वाले हैं, मोड के बारे में समझने वाले हैं, देखो क्या होता है मोड, मोड ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट अबाउट विच द वेरिएट्स टेंड्स टू मोस्ट हैवीली कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, तो वेरिएट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, तो ये याद करने के लिए नहीं है, ये बस डेफिनेशन है जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, बस को समझना है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर बेसिकली उसको समझने का जरूरत नहीं, वैसे लिखा हुआ है, इसको समझने का जरूरत है कि मोड इज द वेरिएट विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ठीक है, वेरिएट मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इसका मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन, तो हम लोग के लिस्ट में जो भी ऑब्जर्वेशन मोस्ट फ्रिक्वेंटली आएगा, ज़्यादा बार आएगा, वो क्या होगा, हम लोग का मोड होगा, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल कि एक बॉलर है, मान लो कोई भी इंडियन बॉलर को ले लो, ठीक है, और वो बॉलर अगर 10 इनिंग में बॉलिंग करता है, 10 मैच खेलता है, तो मान लो वो पहले मैच में 2 विकेट लिया, फिर 3 विकेट लिया, फिर 2 विकेट लिया, फिर 3 विकेट लिया, फिर 4 विकेट लिया, फिर 3 विकेट लिया, ठीक है, फिर 3 विकेट लिया, फिर 2 विकेट लिया, फिर 3 विकेट लिया, वो 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 2 विकेट लिया, ठीक है, 10 इनिंग का उसका ये विकेट का कैलकुलेशन है, ठीक है, यहाँ पर पहले मैच में 2, दूसरे मैच में 3, फिर 2, फिर 3, 4, 3, 3, 2, 3, 2, ऐसा विकेट लिया है, तो यहाँ पे हम लोग का मॉड क्या होगा, अभी ऑब्जर्वेशन जो हम लोग के पास में है बॉलर के 10 मैचेस का, ठीक है, उसमें जो एग्जैक्टली मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सा है, ठीक है, 3, 3, 3, 3, 3, 3 पाँच बार आया, मतलब 5 मैच में वो 3 विकेट लिया, इसका मतलब मोड क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे मोड हो जाएगा हम लोग का 3, ठीक है, क्योंकि मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू है, बार बार आ रहा है 3, ठीक है, तो इस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ मॉडल क्लास क्या होता है, ठीक है, मॉडल क्लास किसको बोलते हैं, तो जो हम लोग इंटरवल्स का बात करते हैं, जो डाटा हम लोग का इंटरवल्स वाला होता है एग्जैक्टली, फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे यहाँ पे कुछ हम लोग एक टेबल बना लेते हैं पहले, ठीक है, यहाँ पर देखो क्लास इंटरवल,
और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मान लो यहाँ पे 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी इसका है, 0 से 10 के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है वह है 5, यहाँ पे है 7, यहाँ पे 12, यहाँ पे 8, यहाँ पे 14, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है मोस्ट स्टूपिडेड किसमें है, इसमें ये वाला 14 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है, ठीक है। तो ये जो क्लास होगा अपना, ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, ठीक है। मोड ऐसे निकालते हैं और मॉडल क्लास हम लोग का ये होता है, अगर इंटरवल वाला प्रॉब्लम दिया रहेगा तो। ओके चलो ठीक है, तो फिर इस पर हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों। एक और क्वेश्चन लिए हम लोग यहाँ पे, द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ सर्टेन क्लास इन द सिटी, ठीक है। तो किसी क्लास का मतलब ये हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ कुछ डाटा 160, 162 कुछ मतलब सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सारा का सारा। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ कि इस रेंज में इतना बच्चा है, इस रेंज में इतना बच्चा है, इस रेंज में इतना बच्चा है, तो ये दिया हुआ, ठीक है, हाइट का रेंज है। नाउ इसमें हम लोग को मोड कैलकुलेट करना है, एवरेज मतलब फाइंड द एवरेज हाइट, एवरेज हाइट निकालना है ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैक्सिमम मतलब जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है, तो कौन सा नंबर रिपीट हुआ है वो देखना है। यहाँ पे डाटा पहले रेडी कर लेते हैं हम लोग, टेबल बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या है, अगेन दिस इज म्यूचुअली और राइट हियर दिस डाटा इज एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, दिस डाटा इज इंक्लूसिव, ठीक है। ये क्या है, इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव है, तो इंक्लूसिव तो काम होगा नहीं, ठीक है, तो इसको करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव। तो इसको हम लोग पढ़ते पहले करते हैं एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो फिर हम लोग उसको 0.5 के फैक्टर से घटाएंगे, उधर बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है, हम लास्ट क्वेश्चन में भी मतलब मिडिल में भी किए थे एग्जैक्टली, इसका लोअर लिमिट, इसका अपर लिमिट, ठीक है। पहले वाले का लोअर लिमिट, दूसरे वाले का अपर लिमिट को माइनस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.5 आता है, ठीक है। 163 माइनस 162 अपॉन 2, एडजस्टिंग फैक्टर क्या है यहाँ पर, एडजस्टमेंट फैक्टर 1/2 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा 159.5 से लेके 162.5 तक, यहाँ हो जाएगा 162.5 से लेके 165.5 तक, यहाँ हो जाएगा 165.5 से लेके 168.5 तक, फिर हो जाएगा यहाँ पे 168.5 से लेके 171.5 तक, फिर 171.5 से लेके 174.5 तक, ठीक है। तो अभी डाटा क्या हो गया, एक्सक्लूसिव हो गया। अब जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, वो लिख लो यहाँ पे 15, 118, 142, 127 and 18, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा होगा मॉडल क्लास हम लोगों का, ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है, सो 142 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 165.5 से लेके 168.5 तक, सो मॉडल क्लास इज 165.5 to 171.5 तक, ठीक है। 142 क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसका, इस क्लास का, तो ये क्लास कौन सा है, दिस क्लास इज मॉडल क्लास, वैसे कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है, ठीक है। हम लोग का मतलब रहता है एक्सक्लूसिव से, तो हम लोग कर लिए एक्सक्लूसिव वाला काम अभी, तो ये हम लोग आते हैं मॉडल क्लास है। नाउ अब मॉड निकालने के लिए, ठीक है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए, ठीक है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फार्मूला क्या है हम लोगों का मॉड निकालने का, तो मॉड निकालने का जो फार्मूला हम लोगों का है वो है एल, लिख लो मॉड, पहले लिख लो इस राइट हियर, मॉड इज इक्वल टू एल प्लस, यहाँ पे लिखो 2f माइनस
एफ वन अपॉन एफ माइनस सॉरी यहाँ पर होगा एफ, ठीक है यहाँ पर होगा एफ, ठीक है एफ माइनस एफ वन, यहाँ पर हो जाएगा टू एफ, एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच, ठीक है। अब इसका यूजुअल मीनिंग क्या है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें इसका इसका मतलब क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है एल क्या है, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये लोअर लिमिट है मॉडल क्लास का, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है फ्रीक्वेंसी है इसका मॉडल क्लास का। एफ वन क्या होगा, एफ वन इज द फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग मॉडल क्लास, ठीक है। एफ टू क्या होगा, इज द फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मॉडल क्लास एंड एच इज द क्लास साइज, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों का फॉर्मूला, ठीक है। क्या है यहाँ पे, दिस इज एच एच, ठीक है। इसमें एल पहले लेंगे, एल को ऐड करेंगे हम लोग एफ माइनस एफ वन अपॉन टू एफ माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच, ठीक है। तो यूजुअल मीनिंग है यहाँ पे सबका लिखा हुआ है, लोअर लिमिट है मॉडल क्लास का, एफ क्या है फ्रिक्वेंसी मॉडल क्लास का, एफ वन क्या है फ्रिक्वेंसी प्रिसीडिंग मॉडल क्लास से पीछे वाला, ठीक है मॉडल क्लास के जस्ट पीछे वाला जो क्लास है उसका नीचे का फ्रीक्वेंसी है वो लिखना है यहाँ पे। एफ टू क्या है सक्सीडिंग आगे वाला, तो पीछे वाला जो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है वो उसके पीछे वाला है यहाँ लिखेंगे, नीचे में एक यूज़ करना है हम लोगों को आगे वाला, ठीक है। सो फॉर्मूला लिखो कैलकुलेट करो, यहाँ पे सबसे पहले एल, एल क्या है ये लोअर लिमिट क्या है 165.5, ठीक है। प्लस इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा 142, तो लिखेंगे 142 माइनस इससे आगे वाला क्या है 118, वो लिखेंगे फिर 2 इंटू एफ मतलब 142 142, ठीक है। माइनस एफ वन 118, ठीक है माइनस एफ टू 127, ये और ये आगे वाला ये पीछे वाला इंटू एच क्या है यहाँ पे 3, ठीक है। एच क्या होगा यहाँ पे, एच इज इक्वल टू देख लो यहाँ कितना है 162.5 माइनस 159.5 इज इक्वल टू 3, सब में वही होगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग को मिल जाएगा अपना वैल्यू, सो दिस इज इक्वल टू 165.5 प्लस यहाँ कितना होगा, यहाँ पे होगा 24 राइट 24 इंटू 3 72 एंड यहाँ पे होगा 284 माइनस 8715 एंड 21314 112245, चलो यहाँ हो जाएगा 165.5 प्लस यस दिस इज 165.5, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 72 अपॉन इसको माइनस कर लो 14.59, दिस इज 27.243.39, ठीक है। तो ये तकरीबन यहाँ पे हो जाएगा मोड इज इक्वल टू 165.5 प्लस डिवाइड कर लो कितना आएगा 39 आया मतलब 8 समथिंग आएगा ना, दिस इज
अबाउट एट, ठीक है, 390 होता है, 8 आएगा तकरीबन, तो 1.8 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, 1.8, सो 165.5, 1.8, 8, 5, 13, 3, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 167.3, 167.3 इज द मॉड अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, कैलकुलेशन आप लोगों को एक्यूरेट करना है, एक आइडिया चाहिए था, एक फॉर्मूला डिस्कस करना था हमको यहाँ पे, ठीक है, मॉड निकालने का। अब सारे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, बस ये कॉलम नहीं रहेगा, क्योंकि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा पहले से देगा तो आप लोगों को ये स्टेप करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, दो स्टेप करना होगा, ठीक है, फॉर्मूला लिखना होगा, मॉडल क्लास सुनना है, जिसमें ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगा वही हम लोग का मॉडल क्लास होगा, और फिर उसके बाद ये फॉर्मूला यूज़ करके जो टर्म्स यहाँ पे यूजुअल लिखे हुए हैं उनको यूज़ करके आप लोगों को सॉल्व करना है, कैलकुलेशन में करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन में अगर बचना चाहते हो माइनर माइनर मिस्टेक्स है तो उसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ह्यूमन एरर से बचोगे, अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो फिर ह्यूमन एरर होगा, मार्क्स जाएगा फालतू का, ठीक है, तो मार्क्स बचाओ, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, मार्क्स बचाओ, ठीक है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं इसका, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सेशन में मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि थोड़ा और क्लैरिटी आए, ठीक है भैया, देखो एक और क्वेश्चन हम लोग के सामने यहाँ पे, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर ओनली गिवन टू द पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स, ठीक है, मतलब ये लेस देन टाइप का क्वेश्चन है एग्जैक्टली, ठीक है, तो इसको बनाने के लिए एग्जैक्टली यहाँ कोई मतलब कोई फिक्स विड्थ नहीं है, क्लास विड्थ नहीं है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे एग्जैक्टली, तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्रिएट करेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ दिया है बिलो 20 इतना है, बिलो 25 इतना है, ठीक है, तो इसमें कैसा करना होता है, इसमें हम लोग खुद, क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट दिया हुआ है, लोअर लिमिट नहीं है अपने पास में, अपर लिमिट दिया हुआ है, तो लोअर लिमिट हम लोग के अकॉर्डिंगली एज्यूम करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा यहाँ पे, कि 18 से स्टार्ट हो रहा है ना एग्जैक्टली, और ये 60 ईयर्स तक जा रहा है, तो 18 से स्टार्ट के बीच में इंटरवल हम लोग को बनाना पड़ेगा, तो इस तरह से हम लोग इंटरवल बना सकते हैं, 18 से 20, 18 से स्टार्ट हो रहा है तो 20 तक यहाँ पर दिया हुआ है तो ये, ठीक है, फिर 20 से 25 तक 6, मतलब बिलो 25 दिया हुआ है, 20 से 25 नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ बनाएंगे 20 से 25, 25 से यहाँ पर हम लोग एडजस्ट करना पड़ेगा उसको, ठीक है, जो हम लोग बनाया ना यहाँ पर उसको यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 2, ठीक है, यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 से लेकर 25 के बीच में, क्योंकि बिलो 25 6 है ना, तो हम लोग बिलो 20 तो काउंट कर ही लिए हैं, ठीक है, अब बिलो 20 वाला भी इसके अंदर चला आएगा, अभी बिलो 25 के अंदर में, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 6 - 2 = 4 लिख लेंगे, ठीक है, अब यहाँ दिया है बिलो 30, 24 दिया हुआ है, अब इसके अंदर कौन चला आएगा, इसके अंदर ये दोनों भी चला आएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग 24 माइनस 6 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 18, ठीक है, अकॉर्डिंगली हम लोग प्रीसीडिंग टर्म्स को जो पीछे चला जा रहा है उसको माइनस करते चले जाएंगे, दिस इज इक्वल टू 6 एंड फाइनली 100 माइनस 98 इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो हम लोग अब पर्टिकुलर अपने बेसिकली एज ग्रुप में सारा नंबर निकाल चुके हैं ये, ठीक है, क्योंकि जो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये 20-60 लोग ले रहे हैं, मतलब बिलो 60 है इसका मतलब, तो बिलो 60 कितना है, 98 है ऑलरेडी, मतलब यहाँ तक तो मतलब 55 से 60 के बीच में केवल 2 ही आएगा, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको लिए हैं, अब इसका हम लोग CF निकाल लेंगे, अब यहाँ पे तो 2 ही आ जाएगा, फिर 2 + 4 = 6 आएगा, फिर 18 + 6 = 24, 24 + 24 = 45, 45 + 33 = 78, 11, 89, 92, 98, 100, ठीक है, तो यहाँ पे 100 तक आया सेफ हम लोग के पास में, मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का देयरफॉर n इज इक्वल टू 100 एंड n बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 बाई 2 इज इक्वल टू 50, ठीक है, और 50 आया तो 50 मतलब यहाँ पे देखो जो है डाटा 50 से बड़ा कौन होगा, 45 तो छोटा हो जाएगा, 50 से बड़ा जो 50 से बड़ा होगा वो 78 होगा, ठीक है,
सो द फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 50 इज 78 सो मीडियम क्लास इज कौन सा हो जाएगा 35 से लेकर 40 तक हम लोग का मीडियम क्लास क्या हो जाएगा 35 से लेकर 40 तक हम लोग यहाँ पे क्या निकालना है हम लोग को निकालना है यहाँ पे मीडियम ठीक है कैलकुलेट मीडियम एज निकालना हम लोग का मीडियम एज निकालना क्योंकि ये बिलो देन वाला क्वेश्चन था एग्जैक्टली बिलो टाइप क्वेश्चन था इसलिए उसको हम यहाँ लिए हैं पिक किए हैं ठीक है तो कुछ डिफरेंट था इसमें इसको भी डिस्कस करना चाहते थे हम आप लोग के साथ में क्योंकि मीडियम मेन मीडियम और मोड फॉर्मूला से निकालना तो बहुत आसान है बट इस टाइप का जो फॉर्मेट रहता है लैंग्वेज का इसमें प्रॉब्लम हो सकता है तो इस प्रॉब्लम को पिक करने के पीछे यही कारण था ठीक है तो हम लोग अब मीडियम निकालेंगे मीडियम का फॉर्मूला तो आप लोग को याद ही होगा मीडियम क्या होता है मीडियम इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच ठीक है ये फॉर्मूला हो गया मीडियम का अब सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज को ठीक है एल क्या है एल हम लोग का हो जाएगा 35 लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास सो मीडियम इज इक्वल टू यहाँ करते हैं सॉल्व यहाँ हो जाएगा 35 प्लस एन बाई टू कितना हो जाएगा 50 माइनस सी एफ कितना आ जाएगा सी एफ पहले वाले लेते हैं ठीक है तो सी एफ हो जाएगा 45 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना है इसका इसका फ्रीक्वेंसी है 33 यहाँ लेंगे हम लोग 33 और यहाँ पे क्लास विड्थ कितना हो जाएगा हम लोगों का 5 ठीक है क्लास विड्थ कितना हो जाएगा हम लोगों का 5 सो 35 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 33 35 प्लस 25 अपॉन 33 तो ये तकरीबन आएगा हम लोगों का 25 को डिवाइड कर लो 33 से 0.33.67 के करीब में आएगा ठीक है तो 35.07 तो दिस इज 35.7 अप्रॉक्स तो मीडियम एज इज 35.7 अप्रॉक्सीमेटली आने वाला है ठीक है तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको समझ में आया कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं ठीक है बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किए हम लोग यहाँ पे सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ठीक है मोड में और मीडियम में तो आप लोग होपफुली इसको अच्छे से कर लेना ठीक है सारे क्वेश्चंस को कर लेना और मीडियम का सेशन हम लोग पहले कर चुके हैं तो उसको भी आप एक बार देख लेना जाके आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करो कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बार बार हम बताते हैं आप लोगों को ठीक है इसी के साथ में अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना ठीक है फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट दूसरे सेशन में तब तक के लिए बाय टेक केयर।